हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे और आपके वर्ड्स भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको अपने रेड आइज वाइट इनो पेयर के हम आपको प्रोग्रेस दिखाएंगे। तो माशाल्लाह इसके ये सेकंड क्लच है। पहले क्लच में इसने माशाल्लाह से ना चार एग दिए थे, जिसकी वजह से ना इसकी पहली ब्रीड थी मेरे पास, फर्स्ट ब्रीड। तो उसकी वजह से दो जो एग हैं वो डेड इन सेल हो गए, और दो जो इसके चिक्स निकले थे वो मैंने ग्रे पैरट के नीचे रखे हुए हैं दूसरे पेयर के नीचे पलवाने के लिए। और अब इसने माशाल्लाह ये सेकंड ब्रीड की है, ये वही पेयर है। तो हम आपको इसकी ब्रीड दिखाते हैं। माशाल्लाह से ये प्योर यानी कि ब्लड लाइन है रेड आइज में, इनो मेल फीमेल कंफर्म। इस टाइम ये थोड़ा डर के बाहर आ गए। तो व्यूअर्स, आप भी अपने बर्ड्स को ना ज़्यादा यानी कि जब उन्होंने ब्रीड की हो, खास तौर पर जब उन्होंने एग दिए हो, तो उनको डिस्टर्ब ना किया करें। तो इस वजह से यानी कि वो अंडों को यानी कि जब अचानक से डर जाते हैं, थोड़ी वगैरह जो चिड़क वगैरह आ जाती है, उससे यानी कि अंडे के अंदर में बच्चा नहीं बनता। ये माशाल्लाह से इसने तीन एग दे दिए, फिलहाल और भी देगी अभी, ताकि इससे एक या दो और अभी एग देगी इंशाल्लाह। तो फाइनली कितने एग देती है तो मैं आपको उसकी वीडियो दे दूँगा। तो इंशाल्लाह से इसे जब चिक्स से हैच होंगे तो दुआ भी कीजिएगा इंशाल्लाह, तो हम आपको तब भी इनके चिक्स जो है उसकी प्रोग्रेस दिखाएंगे। ये माशाल्लाह से इनो का पेयर है, और ये माशाल्लाह से हमारा सेकेंड पेयर है। इसमें माशाल्लाह से फीमेल बॉक्स में जा रही है, तो इसने फ़िलहाल अभी ब्रीड नहीं की। वैसे देख लेते हैं, शायद इसने ब्रीड की हो। ये देखें जी, जगह बना ली है इसने। इंशाल्लाह अब ये इस हफ्ते में ये एगलिंग कर देगी, फिर इंशाल्लाह हम आपको ये जो इस साइड पर है राइट साइड पर, ये मेल है और ये फीमेल है जी। देखें जी, माशाल्लाह से बॉक्स अंदर चली गई फीमेल। तो व्यूअर्स, ये इनो का पेयर कैसा लगा और इसकी प्रोग्रेस कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। तो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।